बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 4 नियोजन के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है बच्चों, योजना कैसे दिशा प्रदान करती है। देखिए, एक योजना संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही होती है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यवाही एक संगठन द्वारा की जाती है वह योजना होती है। यह एक दस्तावेज है जिसमें यह उल्लिखित होता है कि निश्चित उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। जो उद्देश्य एक संगठन ने तैयार किए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, यह योजना में उल्लिखित होता है। इससे योजना एक दिशा प्रदान करती है संगठन को उद्देश्य प्राप्ति के लिए। दूसरा प्रश्न है, देखिए बच्चों, आजकल इस प्रकार के केस स्टडी नुमा प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके लिए पूरे अध्याय का विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। एक कंपनी अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक बाजार में प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए अपनी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी को 10% से 25% तक बढ़ाना चाहती है। बिक्री प्रबंधक रजनी से एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया, जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की रूपरेखा तैयार करेगी। जितने भी विकल्प हैं उनकी रूपरेखा तैयार करेगी। उनकी रिपोर्ट में निम्नलिखित विकल्प जैसे नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहकों को उत्पाद पेशकश का विस्तार, विक्रय प्रोत्साहन के लिए छूट या विज्ञापन गतिविधियों के लिए बजट में वृद्धि के रूप में बिक्री संवर्धन तकनीक का उपयोग आदि शामिल थे। रजनी ने नियोजन प्रक्रिया का कौन सा कदम उठाया? देखिए, यहाँ पर रजनी द्वारा क्या किया गया है, उसने कई विकल्पों की पहचान की है। आइए देखते हैं, सुश्री रजनी ने नियोजन प्रक्रिया का प्रदर्शन किया है। वह कार्यवाही के वैकल्पिक विकल्पों की पहचान है। जो उसने नियोजन प्रक्रिया का चरण यहाँ अपनाया है वह कौन सा है? कार्यवाही के वैकल्पिक विकल्पों का चयन, उनकी पहचान करना। एक काम को करने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों की पहचान करना। प्रबंधन के सामने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने और प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं। रजनी ने कार्रवाई के सभी संभावित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को सूचीबद्ध किया है। जितने भी तरीके हो सकते थे बिक्री बढ़ाने के लिए, हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, उन सभी वैकल्पिक विचारों पर, विकल्पों पर विचार किया गया है, जिसका उपयोग बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और ये कौन से विकल्प थे जिनके द्वारा संस्था के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ सकती थी? तीसरा प्रश्न है, नियमों को योजना क्यों माना जाता है? देखिए, नियम और योजना जो होते हैं वो एक जैसी प्रकृति के ही होते हैं। नियमों को योजना इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें न तो कोई समझौता होता है और न ही कोई परिवर्तन। देखिए, नियमों में किसी भी प्रकार का न तो परिवर्तन किया जा सकता है और न ही नियमों से समझौता कोई संगठन करता है। ये तभी संभव है जब तक कि कोई नीति संबंधी निर्णय न लिया जाए। जब तक कोई नीतिगत निर्णय संगठन के प्रबंधन द्वारा नहीं ले लिया जाता, तब तक इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता, न ही किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। नियमों एवं योजना दोनों ही प्रकृति में बहुत समान है। जो नियम होते हैं, जो योजना होती है, वो प्रकृति में एक जैसे होते हैं। चौथा प्रश्न है, राम स्टेशनरी मार्ट ने केवल ई ट्रांसफर द्वारा सभी भुगतान करने का निर्णय लिया है। राम स्टेशनरी मार्ट द्वारा अपनाई गई योजना के प्रकार की पहचान करें। देखिए, यहाँ पर राम स्टेशनरी मार्ट ने एक नीति बनाई है कि वो अब ई ट्रांसफर के द्वारा ही भुगतान करेंगे। राम स्टेशनरी मार्ट ने ई ट्रांसफर द्वारा सभी भुगतान करने की एक भुगतान नीति को अपनाया है। एक नीति एक सामान्य कथन है जिसका उद्देश्य संगठन के प्रयासों को एक विशेष दिशा में प्रसारित करना है। देखिए, अब संगठन एक विशेष दिशा में प्रसारित होगा, एक दिशा, विशेष दिशा में ही आगे
बढ़ेगा। उसके सभी भुगतान जो हैं ई ट्रांसफर के माध्यम से होंगे, उसने इस नीति को अपनाया है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, क्या बदलते वातावरण में नियोजन कार्य करता है? अपने उत्तर को औचित्य देने का एक कारण दें। देखिए, जो व्यावसायिक वातावरण है वह निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, और जो प्लानिंग की गई है वह उस वातावरण में सही काम करेगी यह कह पाना संभव नहीं है। नहीं, बदलते वातावरण में नियोजन सही काम नहीं कर सकता। देखिए, बदलते हुए वातावरण में नियोजन सही काम करेगा यह संभव नहीं है। व्यावसायिक वातावरण परिवर्तनशील होता है, नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, चूंकि भविष्य अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है। देखिए, जो भविष्य है वह क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, अनिश्चित होता है, और जो योजना बनाई जाती है वह भविष्य के लिए पूर्वानुमानों पर आधारित होती है और जिनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए पूर्वानुमान प्राय पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते, और जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही ही हों। नियोजन की क्रिया में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, और जब परिवर्तन होता है तो नियोजन की प्रक्रिया में भी बदलाव की आवश्यकता होती है, और इस कारण नियोजन बदलते हुए वातावरण में प्रभावी नहीं रहता। और जब प्लानिंग में बदलाव किया जाता है तो जो वर्तमान की प्लानिंग है वह भविष्य के अंदर क्या है? प्रभावी नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, योजना की परिभाषा में मुख्य पहलू क्या है? नियोजन का अर्थ। योजना, नियोजन पूर्व में ही यह निश्चित कर लेना है कि क्या करना है, कैसे करना है तथा किसे करना है। देखिए, प्लानिंग क्या है? भविष्य के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, किसके द्वारा किया जाना है, और जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए किस विकल्प को चुनना है, यह होता है नियोजन के अंतर्गत। नियोजन वर्तमान स्थिति हम कहाँ हैं, वर्तमान स्थिति हम कहाँ हैं से भावी स्थिति हम कहाँ जाना चाहते हैं के अंतर को पूरा करता है। हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। हम यहाँ हैं और हमें भविष्य में यहाँ पे पहुँचना है, इसके जो बीच का जो ये अंतराल है, गैप है, इसको प्लानिंग के माध्यम से पूरा किया जाता है, भरा जाता है। यह प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है। यह प्रबंध का प्रथम कार्य है, प्रारंभिक कार्य है, आधारभूत कार्य है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यविधि योजना का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार हम अपने उद्देश्य तक पहुँचेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसके लिए योजना बनाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, यदि योजना में भविष्य के लिए विवरण तैयार करना शामिल है तो यह सफलता सुनिश्चित क्यों नहीं करता? देखिए, योजना में हम भविष्य के लिए विवरण तैयार करते हैं, लेकिन जो भी विवरण होता है वह पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, और भविष्य अनिश्चित होता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, इसलिए सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, चूंकि भविष्य अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होता है, इसलिए पूर्वानुमान प्राय पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। इससे व्यवसाय में कर्मचारियों को केवल आज्ञा पालन करना होता है। देखिए, नियोजन में क्या होता है, व्यवसाय में कर्मचारी केवल आज्ञा पालन करते हैं, इससे उनकी पहल क्षमता व सृजनात्मकता दबकर रह जाती है, और कुछ भी नया नव प्रवर्तन नहीं होता, भविष्य के लिए नया नव प्रवर्तन भी नहीं हो पाता है। व्यवसाय इस मान्यता पर नियोजन का कार्य करता है कि वह सफलता प्राप्त कर ही लेगा, तो यह निश्चित नहीं है। हर व्यवसायी यह चाहता है कि वह भविष्य में सफलता प्राप्त कर लेगा, जो भी योजना उसने बनाई है वह अवश्य सफल होगी, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि नियोजन केवल कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करता है, केवल काम को करने का मार्ग प्रशस्त करता है, योजना सफल होगी या नहीं होगी यह नहीं बताता, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, परिवर्तनशील है। तीसरा प्रश्न, व्यापार संगठनों द्वारा किस प्रकार के रणनीतिक निर्णय किए जाते हैं, किस प्रकार की व्यूहरचना तैयार की जाती है?
व्यूहरचना प्रबंधन के नियोजन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। देखिए व्यूहरचना जो होती है वह प्रबंधन के नियोजन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यूहरचना से अभिप्राय उन योजनाओं से होता है जिन्हें एक संगठन परिस्थितियों एवं अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। एक ऐसी रणनीति जो परिस्थितियों का सामना करने के लिए अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक संगठन द्वारा अपनाई जाती है व्यूहरचना कहलाती है। यह एक विस्तृत योजना है जिसके तीन आयाम होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा एक निश्चित कार्य करने के तरीके क्रियाविधि का चुनाव, तीसरा उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करना। बदले वातावरण का सामना करने, खास तौर पर जब कोई योजना प्रतियोगियों की योजनाओं का सामना करने के उद्देश्य से बनाई जाती है तो उसे कार्यनीति या व्यूहरचना कहा जाता है। देखिए प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धियों से सामना करना ये बहुत जरूरी होता है एक संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए, और इसका सामना करने के लिए वह व्यूहरचना बनाता है, रणनीति बनाता है, और उस रणनीति के अनुसार ही वे कार्य करते हैं। उदाहरण विपणन व्यूहरचना आदि। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, योजना रचनात्मकता को कम कर देती है, टिप्पणी करें। देखिए नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत प्रबंधक ये चाहता है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है, योजना बनाई है, उसी के अनुसार सभी कर्मचारी कार्य करें। इससे कर्मचारियों की पहल क्षमता भी कम होती है और सृजन क्षमता भी कम होती है, उस पर रोक लग जाती है, क्योंकि प्रबंधक किसी भी प्रकार का दखलअंदाजी उसमें नहीं चाहते। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा की जाती है, अन्य तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, अन्य जो लोग हैं कर्मचारी हैं वो केवल योजनाओं पर अमल करते हैं। क्या कब और किसके द्वारा किया जाता है पहले से ही सुनिश्चित होता है। नियोजन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं, और प्लानिंग के अंतर्गत जो प्रबंधकों ने पहले निर्धारित कर दिया है मानक, उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। इससे व्यवसाय में कर्मचारियों को केवल आज्ञा पालन करना होता है, इससे उनकी पहल क्षमता तथा सृजनात्मकता दबकर रह जाती है और कुछ भी नया नव प्रवर्तन नहीं होता, नयापन कुछ भी नहीं आ पाता है। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2018 में रिलायंस जियो की प्रतिस्पर्धा से निपटने के प्रयास में भारतीय एयरटेल ने ₹149 की प्रीपेड योजना शुरू की, जिसमें प्रतिदिन 3G या 4G स्पीड पर 2GB डेटा की पेशकश करने का निर्णय लिया गया। इस उदाहरण में योजना के किस प्रकार को दर्शाया गया है, इसके आयामों को भी बताएं। देखिए यहाँ पर एक कंपनी प्रतिस्पर्धा से जूझने के लिए नई रणनीति बना रही है। भारतीय एयरटेल ने एक रणनीति अपनाई है, व्यूहरचना अपनाई है, कारोबारी माहौल को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जाती है। रणनीति में तीन आयाम शामिल है, पहला दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण करना, कार्यवाही को विकसित करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकसित करना। यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने इसी प्रकार की रणनीति बनाई है ताकि वह मार्केट में टिक सके, प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। छठा प्रश्न है, योजना के प्रकार बताएं कि क्या वे एकल उपयोग या स्थायी योजना है। एक प्रकार की योजना जो एक नियंत्रण उपकरण के रूप में भी कार्य करती है। देखिए नियंत्रण उपकरण के रूप में बजट कार्य करता है। दूसरा अनुसंधान और विश्लेषण पर आधारित योजना जो शारीरिक और तकनीकी कार्यों से संबंध है, विधि। देखते हैं इनको। उत्तर बजट एक प्रकार की योजना है जो एक नियंत्रण उपकरण के रूप में भी कार्य करती है। एक बजट एक एकल उपयोग की जाने वाली योजना है। बजट जो होता है एकल उपयोग की जाने वाली योजना होता है जो एक समय परियोजना या घटना के लिए विकसित की जाती है। जो बजट तैयार किया जाता है वो एक घटना के लिए, एक समय अवधि के लिए तैयार किया जाता है। विधि अनुसंधान और विश्लेषण पर आधारित योजना जो शारीरिक और तकनीकी कार्यों से संबद्ध है। विधि एक स्थानीय योजना है क्योंकि इसका उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाता है जो नियमित रूप से समय पर होती है। देखिए यह एक प्रकार की स्थायी योजना होती है। निबंधात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है,
ऐसा क्यों है कि संगठन हमेशा अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते? ऐसा क्यों होता है कि संगठन अपने सभी उद्देश्य प्राप्त नहीं करते? औपचारिक नियोजन के बिना प्रबंध करना कठिन कार्य है। बिना औपचारिक नियोजन के, बिना प्लानिंग के कोई भी प्रबंध अपना कार्य नहीं कर सकता। संस्थानों को के लिए लक्ष्य प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी गतिविधियां हमेशा योजना अनुसार नहीं चल पाती। कई बार संगठन अपनी कुछ सीमाओं के कारण समय पर योजनाओं में परिवर्तन नहीं कर पाते, अतः नियोजन की कमियां या सीमाओं को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए, कई ऐसी सीमाएं हैं जिनके कारण एक व्यवसाय अपनी योजनाओं में समय पर परिवर्तन नहीं कर पाता और इससे उसका व्यवसाय प्रभावित होता है, योजना पूरी नहीं हो पाती, उद्देश्यों तक नहीं पहुँचा जाता। पहला है, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। एक संगठन में लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति हेतु सुनियोजित योजना तैयार की जाती है। योजना बन जाने के बाद प्रबंधक वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखे बिना कठोरता पूर्वक इसका पालन करते हैं। देखिए, योजना बन जाने के बाद प्रबंधक ये चाहता है कि उसी योजना पर आगे बढ़ा जाए, चाहे पर्यावरण में किसी भी प्रकार का बदलाव हुआ हो, परिवर्तन हुआ हो, वह परिवर्तनों के अनुसार योजना में परिवर्तन नहीं करना चाहता। इससे दृढ़ता उत्पन्न होती है। वे नए विचार एवं सुझाव लेने और देने बंद कर देते हैं, इसलिए नियोजन संगठन में दृढ़ता उत्पन्न कर सकता है। अधीनस्थों से यह आशा की जाती है कि वे पहले से ही निर्धारित योजना के अनुसार ही व्यवहार करें। इससे व्यक्तियों की पहलशीलता एवं सृजनशीलता को हतोत्साहित कर सकता है। यह कार्य जो होता है कि कर्मचारी पहले बनाई गई योजना पर ही चले, उसमें कोई भी नया पहलपन नहीं लाए, उसमें कोई भी नया नव प्रवर्तन का कार्य ना करें, यह प्रबंधक चाहता है। दूसरा, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। व्यावसायिक वातावरण परिवर्तनशील होता है। नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। देखिए, जो योजना बनाई जाती है वह भविष्य पर आधारित होती है। भविष्य के पूर्वानुमानों पर एक योजना का निर्माण किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है। वातावरण परिवर्तनशील होता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। चूंकि भविष्य अनिश्चित है एवं परिवर्तनशील होता है, इसलिए पूर्वानुमान प्राय पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते। जो पूर्वानुमान किए गए हैं वो जरूरी नहीं सही हों। नियोजन के क्रिया में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है और इस कारण नियोजन बदलते हुए वातावरण में प्रभावी नहीं रहता। परिवर्तन के साथ प्लानिंग में भी परिवर्तन करना होता है और यदि परिवर्तन नहीं किया गया है तो प्लानिंग काम में नहीं आ पाती है, वह प्रभावी नहीं रहती है। तीसरा बिंदु है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा की जाती है, अन्य तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। क्या, कब और किसके द्वारा किया जाता है पहले से ही सुनिश्चित होता है। पहले से ही यह तय होता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, यह उच्च प्रबंध द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। नियोजन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं और नियोजन के अंतर्गत जो मानक निर्धारित कर दिए गए हैं उनके अनुसार ही कार्य किए जाते हैं और प्रबंधक ये नहीं चाहते कि उनसे हटकर कोई कार्य किया जाए। चौथा बिंदु, नियोजन में भारी लागत आती है। देखिए, नियोजन कार्य में धन व समय के आधार पर बहुत अधिक लागत आती है। धन व समय के रूप में नियोजन में भारी लागत आती है। योजना की शुद्धता की जांच में बहुत अधिक समय लगता है, तो नियोजन की व्यवहार्यता को परखने के लिए बहुत से आकस्मिक व्यय किए जाते हैं। कार्यों का निर्धारण करने, उनको करने के लिए विकल्पों को विकसित करने के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण व विश्लेषण किया जाता है, जो कि खर्चीली प्रक्रिया है। इसमें बहुत अधिक समय और धन खर्च होता है। पांचवा बिंदु है, नियोजन समय पर करने वाली प्रक्रिया है। देखिए, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक अति लंबी व समय नष्ट करने वाली क्रिया है।
उद्देश्य निर्धारण से लेकर सही विकल्प का चयन करते हुए उन्हें लागू करने के कार्य में लंबा समय लगता है और कई बार तो उनको क्रियान्वित करने के लिए समय ही नहीं बच पाता है। छठा बिंदु है, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। देखिए, नियोजन से सफलता प्राप्त होगी यह जरूरी नहीं है। एक उद्यम की सफलता तभी संभव होती है जब उसकी योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई जाए तथा उन्हें समुचित रूप से लागू किया जाए, तभी सफलता मिल पाती है। प्रत्येक योजना को मूर्त रूप देना आवश्यक है, अन्यथा वह सारहीन हो जाती है। यदि योजना को मूर्त रूप नहीं दिया गया है तो भी वह सारहीन हो जाती है। प्रबंधकों की पूर्व में जांची परखी गई सफल योजना पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है कि पहली योजना दोबारा भी सफल सिद्ध होगी। जो योजना पहले सफलता दिला चुकी है वह भविष्य में भी हमें सफलता दिलाएगी, यह कहना संभव नहीं है। जरूरी नहीं है कि उससे सफलता प्राप्त ही हो। दूसरा प्रश्न है, योजना प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं? देखिए, नियोजन प्रक्रिया के लिए प्रबंधन द्वारा कुछ कदम उठाए जाते हैं, उनको अपनाकर ही वह नियोजन कार्य कर पाता है। उद्देश्यों का निर्धारण, उसके विकासशील आधार, पूर्वानुमान लगाना, सूचनाएं एकत्र करना, विकल्पों की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, उनको लागू करना और अनुवर्तन करना, ये इसके महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला चरण देखते हैं बच्चों, उद्देश्यों का निर्धारण। नियोजन प्रक्रिया में प्रमुख कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना है। महत्वपूर्ण कदम क्या है? पहला, उद्देश्यों का निर्धारण करना, लक्ष्य निर्धारित करना। उद्देश्य पूरे संगठन या प्रत्येक विभाग के लिए हो सकते हैं। उद्देश्य बतलाते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है, संगठन क्या चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है। उद्देश्य एक अंतिम बिंदु है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में सभी क्रियाकलाप किए जाते हैं, और जो भी क्रियाकलाप एक संगठन करता है वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही करता है। नियोजन उद्देश्य को परिभाषित कर कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट हैं तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना आसान होता है। यदि लक्ष्य जो हमारे हैं, उद्देश्य जो हैं, वो हमें पता है तो उनकी ओर आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, उनकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होना आसान हो जाता है। दूसरा है विकासशील आधार, परिकल्पनाओं का विकास। देखिए, नियोजन का संबंध भविष्य से है जो अनिश्चित होता है, इसलिए प्रबंधकों को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी होती है, कुछ पूर्वानुमान लगाने होते हैं, अवधारणा बनानी होती है। यह परिकल्पनाएं या आधार कहलाती है। पूर्व कल्पनाओं में बाधाओं, समस्याओं आदि पर ध्यान दिया जाता है। जो ये पूर्व कल्पनाएं की जाती है, पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, इनमें बाधाओं और समस्याओं को देखा जाता है, किस प्रकार की बाधाएं आ सकती है, किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं। आधार विकसित करने में पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचनाएं एकत्रित करता है। पूर्वानुमान द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती है, किस प्रकार का बाजार होगा, बाजार की स्थिति कैसी होगी, ये देखा जाता है, तभी एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। तीसरा बिंदु है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। देखिए, अब किसी भी काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, अब वो कौन कौन से तरीके हैं उनकी पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। एक बार उद्देश्यों का निर्धारण होने के बाद उन्हें प्राप्त करने की अनेक विधियों विकल्पों की पहचान की जाती है। सभी विधियां जानी पहचानी स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी विधियां हम तय करें वो कैसी होनी चाहिए? जानी पहचानी और स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प होते हैं? सबसे बड़ा विकल्प है उत्पाद के मूल्य को कम कर देना, विज्ञापन की मात्रा को बढ़ा देना, विज्ञापन के द्वारा हर उपभोक्ता तक वस्तु की जानकारी पहुंचाना, या उत्पादों के साथ मुफ्त सैंपल बांटना, ये किसी भी उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कदम हो सकते हैं। आगे देखते हैं, चौथा बिंदु है विकल्पों का मूल्यांकन। देखिए, इसके अंतर्गत जो भी विकल्प हमने पहचाने हैं उनका गुण दोषों के आधार पर, लाभ और हानि के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त करना, एक ही विकल्प के अलग रूपों की आपस में तुलना करना, एक ही विकल्प के अलग अलग रूप हो सकते हैं, उनकी
आपस में तुलना भी की जाती है। प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। विकल्पों का मूल्यांकन उनकी संभाव्यता तथा परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है, और जो ये विकल्प होते हैं इनका मूल्यांकन उनकी संभाव्यता, उनको लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उनके परिणाम क्या होंगे, इसके आधार पर उनको मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा है विकल्पों का चुनाव। सर्वोत्तम योजना ही स्वीकृत व लागू की जानी चाहिए, इस हेतु तुलना व मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है। जो भी विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं उनका मूल्यांकन कर लेने के बाद जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसको चुना जाता है। किसी विकल्प का चयन उसके गुणों, अवगुणों, संसाधनों व परिणामों के आधार पर किया जाता है। उसके गुण अवगुण देखकर उसके क्या परिणाम होंगे इसके आधार पर किया जाता है, साथ ही उसमें कितने संसाधन लगेंगे इसके आधार पर भी उसका चयन किया जाता है। विकल्प सर्वाधिक साध्य, लाभकारी तथा कम से कम विपरीत परिणाम देने वाला होना चाहिए, और जो भी विकल्प हो वो कैसा होना चाहिए, सर्वाधिक साध्यकारी हो, लाभकारी हो और कम से कम विपरीत परिणाम देने वाला हो। छठा है योजना को लागू करना। देखिए, योजना विकसित कर ली उसके बाद महत्वपूर्ण चरण आता है उसको लागू करना। एक बार योजनाएं विकसित कर ली जाए तो उन्हें क्रिया में लाया जाता है, इसका संबंध योजना को लागू करने से है। यह सबसे वांछनीय कार्य है, सबसे जरूरी कार्य होता है। योजना बना ली गई लेकिन उसको लागू नहीं किया गया तो वह योजना किसी भी कार्य की नहीं रहती। कार्यों का क्रम व कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाना है यह निर्धारित किया जाता है, और योजना को लागू करने में क्या किया जाता है, कार्यों का क्रम व कौन सा कार्य कौन करेगा यह निर्धारित करते हैं। अगला है सातवां अनुवर्तन। अनुवर्तन अर्थात समीक्षा। देखिए, योजना लागू की गई है या नहीं की गई यह इसके अंतर्गत देखा जाता है, और यह महत्वपूर्ण कार्य होता है उसकी समीक्षा करना। यह देखना कि योजनाएं लागू की गई है या नहीं, निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, कार्य के दौरान इसकी समीक्षा की जाती है, निर्धारित योजना के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, सही में लागू किया गया है या उसे लागू नहीं किया गया है, यह इस समीक्षा के अंतर्गत देखा जाता है, अनुवर्तन के अंतर्गत देखा जाता है। समीक्षा किसी कार्य की प्रगति को मापने का कार्य करती है, कार्य की प्रगति को मापने का कार्य समीक्षा के अंतर्गत किया जाता है, अनुवर्तन में होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बाजार में अन्य नए और मौजूदा खिलाड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते एक ऑटो कंपनी सी लिमिटेड को बाजार हिस्सेदारी में गिरावट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाजार हिस्सेदारी में गिरावट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके प्रतियोगी बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के लिए कम मूल्य वाले मॉडल पेश कर रहे हैं जो मूल्य संवेदनशील है। सी लिमिटेड को एहसास हुआ कि भविष्य में बाजार में बने रहने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता वाले जागरूक उपभोक्ताओं के लिए सी लिमिटेड ने अतिरिक्त सुविधाओं और नई तकनीकी प्रगति के साथ नए मॉडल पेश करने की योजना बनाई। कंपनी ने प्रबंधन के सभी स्तरों के प्रतिनिधियों के साथ एक टीम बनाई। यह टीम उपरोक्त रणनीति को लागू करने के लिए संगठन द्वारा अपनाए गए कदमों की को समझेगी और निर्धारित करेगी। ऊपर दी गई स्थिति में चिन्हांकित योजना की विशेषताओं की व्याख्या करें। यहां संकेत दिया हुआ है, योजना व्यापक है, योजना भविष्य है और योजना एक मानसिक व्यायाम है। ये कुछ संकेतों के आधार पर हमें इस तथ्य को समझाना है, योजना की विशेषताओं को बताना है। आइए देखते हैं, सी लिमिटेड को भविष्य में बाजार में बने रहने के लिए निम्नलिखित योजना की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति होता है। देखिए, नियोजन का जो केंद्र बिंदु है वह होता है लक्ष्य प्राप्त करना।
कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको किस प्रकार हम प्राप्त करें, यह प्लानिंग का मुख्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्माण से होता है। विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रियाकलाप योजनाओं में निर्धारित किए जाते हैं। जो लक्ष्य और उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उसको किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, यह समस्त कार्यवाही योजनाओं के अंतर्गत आती है। नियोजन तब तक निरर्थक होता है जब तक यह संस्थानों से के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता। अतः नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है, नियोजन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। देखिए, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है। अन्य सभी कार्यों संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन व नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करता है। अन्य कार्य इसके बाद आते हैं, उनके लिए आधार प्रदान करने का कार्य नियोजन द्वारा किया जाता है। निर्धारित नियोजन के ढांचे के द्वारा ही समस्त प्रबंधकीय कार्य निष्पादित किए जाते हैं। देखिए, उद्देश्य बनाकर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वे नियोजन के माध्यम से ही किए जाते हैं। यदि प्लानिंग नहीं होगी तो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, समस्त कार्य इसके बाद में आते हैं। तीसरा, नियोजन सर्वव्यापी है। देखिए, नियोजन सर्वव्यापी है। हर प्रकार के संगठन के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। एक संगठन है तो उसके अलग अलग विभागों के लिए, प्रभागों के लिए भी, अलग अलग स्तरों के लिए भी प्लानिंग होना बहुत जरूरी होता है। नियोजन उपक्रमों के सभी विभागों एवं स्तरों के प्रबंधकों के लिए वांछनीय होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक कहना उचित होगा। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वह प्रबंधक संस्था का प्रबंध संचालक उच्च स्तरीय प्रबंधक हो या कारखाने में कार्य करने वाला कोई फोरमैन निम्न स्तरीय प्रबंधक हो। चाहे उच्च स्तरीय प्रबंधक है चाहे निम्न स्तरीय प्रबंधक है, सभी के लिए योजना बनाना बहुत आवश्यक होता है। चौथा बिंदु, नियोजन अविरत निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, नियोजन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि योजनाएं एक विशिष्ट समय के लिए तैयार की जाती है। योजनाएं एक निश्चित समय के लिए तैयार की जाती है, उद्देश्य प्राप्त हुए फिर नए उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं और उनके लिए योजना बनाई जाती है। प्रत्येक समयावधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता होती है। निरंतर परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करने वाले व्यवसाय को वातावरण के अनुसार अपनी क्रियाओं में भी बदलाव करना पड़ता है और इसके लिए नियोजन का कार्य भी दोहराना पड़ता है। लगातार जो वातावरण परिवर्तनशील हो रहा है इसको देखते हुए एक व्यवसाय को अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना होता है, उसे नई नई योजनाएं बनानी होती है। पांचवा, नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। देखिए, ये सभी जो भी प्रश्न हैं ये भविष्य से संबंधित होते हैं। क्या किया जाना है भविष्य में, कैसे किया जाएगा यानी कैसे किया जाना है ये भी भविष्य में होगा, कब किया जाना है ये भी भविष्य से संबंधित है, किसके द्वारा किया जाना है ये भी भविष्य से संबंधित होता है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से संस्थान के हित में कुशलतापूर्वक सामना करना है। इसमें भविष्य में झांकना तथा विश्लेषण व पूर्वानुमान सम्मिलित होता है। भविष्य में झांकना व उसका पूर्वानुमान लगाना यह प्लानिंग में शामिल होता है। इसके आधार पर ही प्लानिंग की जाती है। अतः नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित भविष्यमूलक कार्य है। छठा बिंदु है, नियोजन में निर्णय रचना निहित है। नियोजन में निर्णय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयन करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा विकल्प संगठन के लिए लाभदायी होगा। नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों क्रियाओं का पूर्ण परीक्षण तथा मूल्यांकन करने के उपरांत उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनता है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है, इसलिए कहा जाता है नियोजन में निर्णयन सम्मिलित होता है।
सातवां, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन में दूरदर्शिता को साथ लेते हुए मस्तिष्क के प्रयोग की आवश्यकता होती है। देखिए, प्लानिंग तैयार करने के लिए दूरदर्शिता होना तो आवश्यक है ही, क्योंकि भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही मानसिक अभ्यास की भी आवश्यकता होती है, एक कुशल मस्तिष्क की भी आवश्यकता होती है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से दूरदर्शिता के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेकर सही विकल्प का चुनाव करना होता है। देखिए, विकल्प कई सारे होते हैं, उनमें से सही विकल्प का जो चुनाव किया जाता है वह दूरदर्शिता के साथ किया जाता है। वह अपनी बुद्धि को प्रयोग में लेकर अच्छे विकल्प को चुनने का प्रयास होता है। इसके लिए तार्किक तथा नियमित विचारधारा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैसी विचारधारा की आवश्यकता होती है? तार्किक और नियमित विचारधारा की आवश्यकता होती है। बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।